हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिसेस भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम एंड कोड्स। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कवर द नंबर सिस्टम विच इज़ इन अदर सिस्टम। सो कन्वर्जन ऑफ अदर सिस्टम टू अदर सिस्टम। आप सभी को पता है कि अदर सिस्टम का मतलब होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। ये तीनों सिस्टम से एक दूसरे में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम अदर सिस्टम टू अदर सिस्टम कहते हैं। यानी ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। लर्निंग आउटकम्स, यानी ये टॉपिक कवर करने के बाद आप क्या सीख सकते हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम टू अनादर फॉर्म। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम फिर से एक बार देखेंगे कि सभी नंबर सिस्टम के बेसिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अदर टू अदर सिस्टम। इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सो अभी हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर टू ऑक्टल एंड बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। और ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट एग्जांपल नंबर 1 इज 25 इज गिवन एज डेसिमल। और इस डेसिमल नंबर को अगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाइनरी से लेके ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल से लेके फिर बाद में हेक्साडेसिमल में। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम दिया है तो सबसे पहले इस 25 डेसिमल को बाय यूजिंग 1248 जो सिस्टम हमारी होती है उसको हम यूज़ करेंगे और इसका बाइनरी नंबर जनरेट करेंगे। बाइनरी नंबर जनरेट करने के लिए एक छोटा सा रूल मैंने बताया था, 1, 2, 4, 8 और 16 प्लस 8 24 और 24 प्लस 1 25। इसलिए ये 3 बिट का हमें काम है और बाकी बिट हम यूज़ में नहीं ले रहे। सो 25 कैन बी रिटन एज 11001 इन बाइनरी। अगर इस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सो हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू ऑक्टल, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखिए जिसे आपको कन्वर्ट करना है और इसको हमको ऑक्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये 2, दिस इज़ द बेस ऑफ बाइनरी, और ये जो 8 है इट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दिस इज़ अदर सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो अदर सिस्टम, ये दोनों भी अदर सिस्टम के पार्ट हैं। सो 2 का पावर 3 यानी 8 होता है। ये हमारे यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन देखना है एंड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power। सो 2 का पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 और ये 3 हमारे बहुत काम की चीज़ है। 3 का मतलब होता है कि हमको इस बाइनरी नंबर को 3 के ग्रुप में बांटना है। सो अभी हम लिखेंगे बाइनरी नंबर 11001। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इसके 3 के ग्रुप करेंगे। सो दिस इज़ 100 एक ग्रुप हो गया और यहाँ पे है 11। अब ये 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, इसको 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आगे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर में हम आगे ज़ीरो लगाते हैं तो उस नंबर पे कोई असर नहीं होता। अब इन 3 बिट का कंबाइन नंबर क्या जनरेट होता है और इन 3 बिट का क्या कंबाइन नंबर जनरेट होता है वो हम देखेंगे। एज़ दीज आर 3 बिट्स तो हम सिस्टम यूज़ करेंगे 1, 2, 4 और इसके नीचे ये नंबर लिखेंगे 0, 1, 1। तो 1 और 1 ये कौन हाई है, 2 और 1, तो 2 प्लस 1 का मतलब होता है 3। यहाँ पे 0, 0, 1 है, 0, 0, 1 तो सिर्फ 1 यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर है
1. So we can write 11001 binary can be written as 31 in octal. अब कभी कभी ये बाइनरी नंबर सिंपल बाइनरी ना होते हुए ये फ्रैक्शनल बाइनरी भी हो सकता है. सपोज़ 1010.1010, ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. सो वील टेक इट एज अ सेकेंड एग्जांपल. सो इसको फिर से ऑक्टल में क्रिएट करना है या कन्वर्ट करना है तो फिर से रिलेशन देखो कि 2 और 8 में क्या रिलेशन है. 2 to the power 3 यानी 8, तो हमको फिर से 3-3 का ग्रुप करना है. सो अगेन वी विल राइट 1010.1010. अब डेसिमल पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से हमें जो इंटीजर नंबर मिल रहा है उसके ग्रुपिंग हमको राइट टू लेफ्ट करने हैं. सो 1, 2, 3 ये पहला ग्रुप हो गया. अब इस 1 के साथ बिट्स अवेलेबल ही नहीं है ग्रुप बनाने के लिए, इसलिए हम इसमें और 2 एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर देंगे. लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर ग्रुप बनाने हैं तो हमको लेफ्ट टू राइट जाना है. सो वील मेक अ ग्रुप एज 101 और यहाँ पे ज़ीरो के साथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 2 जीरोज़ को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे. नाउ यू राइट द नंबर फॉर दिस 3-bit बाइनरी नंबर. सो बाई यूजिंग, हमको रूल पता है, 1, 2, 4 टेक्निक यूज़ करके 001 का मतलब होता है सिर्फ 1, 010 का मतलब होता है सिर्फ 2, फिर ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ आएगा. 101 का मतलब होता है दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 1, तो 4+1, 5. एंड 000 का मतलब होता है इसमें से कोई भी बिट यूज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज़ 0. सो 1010.1010 बाइनरी कैन बी ट्रीटेड एज 12.50 इन ऑक्टल. सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर. सो स्टूडेंट्स, अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ गया है सो हम इजीली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर सकते. बाइनरी का बेस होता है 2 और हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस होता है 16. सो विल टेक वन एग्जांपल लाइक दिस. सपोज दैट बाइनरी नंबर इज 110011. दिस इज़ बाइनरी नंबर और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में. तो सबसे पहले आप बेसिस की तरफ ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 16. ये भी अदर सिस्टम है, ये भी अदर सिस्टम है. सो एट द सेम टाइम वी विल टेक 2 to the power कितना यानी 16 होता है. यस, यू आर करेक्ट, 2 to the power 4 इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 16. इसका ही मतलब है कि हमें 4 बिट्स के अभी ग्रुप बनाने हैं. एज दिस इज अ सिंपल नंबर, दैट इज़ इंटीजर नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1010011. और जब भी हमको 4 बिट्स के ग्रुप करने हैं तो हम राइट टू लेफ्ट उस बिट्स को करते जाएंगे. सो दिस इज़ फर्स्ट ग्रुप 1100. अब सेकेंड ग्रुप को बनाने के लिए मेरे पास 4 बिट्स नहीं है, सो आई विल ऐड एक्स्ट्रा 2 जीरोज सो दैट द वैल्यू विल नॉट चेंज एंड वी कैन गेट द हेक्साडेसिमल नंबर. अब यहाँ पे 4 बिट है तो हमें सिस्टम यूज़ करनी पड़ेगी 1, 2, 4, 8. इसके नीचे आप ये नंबर लिखिए 0011. ये सारा काम आप रफ वर्क में कर सकते हैं, यू हैव टू राइट हियर डायरेक्ट द आंसर. तो 8421. अब 0011 तो कौन से बिट हाई है, 2 और 1. सो इन दोनों का एडिशन करेंगे सो दिस इज़ 3. अगेन 0011 का मतलब 3. सो वी कैन डायरेक्टली राइट 110011. बाइनरी कैन बी रिटन एज 33 इन हेक्साडेसिमल. नाउ वील गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो हम अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं विथ डेसिमल पॉइंट. सो पहला सपोज 1001011, ये एक बाइनरी नंबर है और इसके साथ अगर हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देते हैं तो हमारा नया नंबर बनेगा 1001.1100. सो दिस इज़ आवर न्यू बाइनरी नंबर विथ डेसिमल पॉइंट. अगर मुझे इस नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है सो अगेन द रूल विल बी सेम. यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 16 है, तो आई विल चेक वेदर द रिलेशन इज़
in the form of 2 to the power 4. 2 to the power 4 is exactly equals to 16. तो इसका मतलब है हमें चार चार बिट्स के ग्रुप बनाने. सो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे 100101 डेसिमल पॉइंट 1100. अब आपको रूल याद करना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाले साइड में ये जो इंटीजर पार्ट है उसको चार चार के ग्रुप बनाने वक्त राइट टू लेफ्ट जाना है. सो यहाँ पे 1010 ये एक ग्रुप बन गया. अब यहाँ पे 01 है और आगे मुझे दो ज़ीरो लगाने पड़ेंगे सो दैट ये चार का ग्रुप बनेगा. डेसिमल पॉइंट से इधर वाला ग्रुपिंग करना है तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाना है. सो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग करूँगी 1100. सो यहाँ हमारा जो नंबर जनरेट होगा बाय यूजिंग कौन सी मेथड अभी हमको यूज़ करनी पड़ेगी. एज द ग्रुप इज़ ऑफ 4 बिट्स हम यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे 1 2 4 8. ये रूल के हिसाब से 0010 की वैल्यू क्या होती है 2. 0101 की वैल्यू क्या होती है 5. फिर डेसिमल पॉइंट और 1100 की वैल्यू क्या होती है 8+4 यानी 12. लेकिन हेक्साडेसिमल सिस्टम में 12 को 12 नहीं लिखा जाता. 12 के लिए हमें पता है कि कैपिटल ए इज़ नथिंग बट 10, कैपिटल बी इज़ नथिंग बट 11, कैपिटल सी इज़ नथिंग बट 12. सो यहाँ पे जो आंसर आया है 12 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से. सो द आंसर विल बी 100101.1100 बाइनरी कैन बी रिटर्न एज 25.C इन हेक्साडेसिमल. इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो एक बार फिर से हम थोड़ा सा समराइज करेंगे टॉपिक्स को कि बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो हमें 3-3 बिट्स के ग्रुप करने हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो हमें 4 बिट्स के ग्रुप करने होंगे. सो अभी आप समझ गए हैं कि बाइनरी से कोई भी नंबर सिस्टम ऑक्टल में क्रिएट करना है तो हमें 3-3 बिट्स के ग्रुप करने पड़ेंगे और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा. बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है तो 4 बिट का ग्रुप करना है और फिर उसका जो नंबर आता है डेसिमल उसको हमको यहाँ पे लिखना है. दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अदर टू अदर सिस्टम. स्टूडेंट्स, ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक को समराइज कर सकते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उस बाइनरी नंबर के हमें 3-3 डिजिट्स के बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे एंड दैट ग्रुप शुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर में जो 10s होते हैं उनका मुझे 4-4 बिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा और वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग केयरफुली. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक विथ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. थैंक यू.